मीनार पाकिस्तान पर सुनामी प्लस में पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल ने भी खूब हिस्सा डाला। मियां असलम इकबाल ने जलसे में शिरकत के लिए हजारों कारकुनान पर मुश्तमिल काफले की क्यादत की। काफला एक बड़ी रैली की सूरत में समनाबाद जहांगीर पार्क से रवाना हुआ। और फिरोजपुर रोड से होता हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट और दाता दरबार के रास्ते मीनारे पाकिस्तान पहुंचा। इस मौके पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि मीनारे पाकिस्तान का जलसा मुल्की और सियासी तारीख को बदल देगा और साबित हो जाएगा कि लाहौर नून लीग का नहीं तहरीक इंसाफ का गढ़ है। लाहौर शहर है वो पहले भी नून लीग का नहीं रहा। पिछले 2013 के इलेक्शन के अंदर किस तरह से मसाला लगाया गया, 20-20, 30-30 हजार वोट इन्होंने मतलका माफिया के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट को डलवाकर जितवाया था। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात के बाद इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, सबको यकसा हुकूक और इंसाफ मिलेगा। इमरान खान इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसकी क्यादत में पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। रैली में मियां असलम इकबाल कारकुनान के साथ पैदल चलते रहे जबकि कारकुन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर पार्टी परचम लहराते रहे। कैमरामैन एहसन के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।